असलकुम वहमुल वर्का क्लास यू के जी इंग्लिश लाइट्स राइट ऑफ ई वर्ड्स ट्रेस एंड रे वर्ड्स विद शॉर्ट वर्बल साउंड बच्चों आज हम ई e साउंड पढ़ेंगे जैसे ए ए आई ओ यू ये पाँच साउंडस जो है पाँच लेटर्स जो हैं ये साउंड कहलाते हैं या हम लेटर इनको कहेंगे लेटर्स में दूसरा जो लेटर है वो है ई तो यहां पर ट्रेस करने के बाद आप इनको पढ़ेंगे भी जैसे यहां पर लिखा है टी ई एन थैन टी ई एन ठैन ई इसमें आवाज इसकी हमने पहचानी है ठैन एच ई एन हेन एम ई एन मैन ये ठेन हैन मैन इन तीन चीजों को आप लिखेंगे भी और पढ़ेंगे भी इस तरह से आपके पास दूसरा लाइन है यहाँ पर बी ई डी भैड एल ई डी वैड F, E, D, Fad, Bad, Lad, Fad, Bad, Lad, Fad. इन तीन को भी आप पेंसिल से ट्रेस करेंगे और लिखेंगे उसके बाद दूसरी लाइन में भी ऊपर की लाइन को जैसे ऊपर Bad, लैड फैड लिखा है इस लाइन में भी आप Bad, लैड फैड लिखेंगे इस तरह से तीसरी लाइन है एल ई -E G lag, P e g bag, B e g bag, ये lag, pag, bag, इन तीनों को आप ट्रेस करेंगे लिखेंगे और फिर दूसरी लाइन में साफ साफ लिखेंगे ठीक है इस तरह से G e t get, N e t nat, P E T फैट get नेट फैट इनको भी आप ट्रेस करेंगे ये आज के दिन में है और उसके बाद कल आप फिर एक और वर्क अगला जो है वो भी इसी वाइल्व well साउंड का ई वाइल साउंड का है उसमें आपने पढ़ना है और ई डी red, एम ई डी मैड W E G Wad, Red, Mad, Wed. इन तीन वर्ड्स को आप ट्रेस करेंगे और दूसरी लाइन में भी लिखेंगे इसी तरह से अगली लाइन जो है फी ई एन फैन डी ई एन Dan, जेड ई एन जेन इसको पहले ट्रेस करेंगे ऊपर से पेंसिल डालेंगे और दूसरी लाइन में आप साफ साफ लिखोगे ऊपर की लाइन को देखकर ठीक है इस तरह से एन ई डब्ल्यू न्यू एम ई डब्ल्यू म्यू एफ ई डब्ल्यू फ्यू न्यू म्यू फ्यू इसी तरह से आप इस लाइन में भी लिखेंगे न्यू म्यू फ्यू ठीक है और अगला लिखेंगे जेई E E E T jet. S, e, T set. L, e, T S L इन तीन को भी आप लिखेंगे इस लाइन में और ऊपर इसी के ऊपर से आप पेंसिल अपना घुमाएंगे तो ये ट्रेस हो जाएगा तो फिलहाल आज के लिए इंग्लिश में इतना ही जब तक के लिए अल्लाह हाफिज कल मिलते हैं अगले लेसन के साथ फिलहाल आपसे यही गुज़ारिश है कि आप बच्चे इसको लिखकर एक फ़ोटो उठाएंगे और ग्रुप में भेज देंगे